Assalamu alaikum and a very good day, dear students. I welcome you to the course Social Entrepreneurship. My introduction first. My name is Dr. Tahira Jabi. I am an associate professor and director for the Center of Social Development and Social Entrepreneurship in the University of the Punjab. I'll be conducting this course on social entrepreneurship for you. First things first. विल स्टार्ट विद व टर्म सोशल एंटरप्रनीरशिप क्योंकि uh, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये रहा है कि ये टर्म हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए नई होती है ख़ास तौर पर इस कॉम्बिनेशन में सोशल और एंटरप्रनीरशिप लफ सोशल जो है वो हम सब सारा वक्त इस्तेमाल करते हैं हम उससे फमिलियर हैं ये इंसानों से मुतल है इंसानी मुशरे से मुतल है इंसानों के मसाइल से मुतल है एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा आ, कम फेमिलियर है आ, कुछ लोगों के लिए आ, और जो लोग इससे फेमिलियर हैं वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से ज्यादा फेमिलियर हैं तो लेट्स लुक एट द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कि मेरे बोलने से आपको अंदाजा होगा टर्म एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो फ्रांसीज बान से आई है फ्रांसीज बान का एक लफ्स है एंटरप्रेंडर जिसका मतलब है टू डू समथिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है इसको सोशल जब हम कहते हैं तो हम सोशल लाइफ सोशल प्रॉब्लम सोशल इश्यूज की बात कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उन लोगों की बात करते हैं जो बिजनेस करते हैं रिस्क लेते हैं और बेनिफिट्स अर्न करते हैं उसमें से मुनाफा कमाते हैं तो इन दोनों को इकट्ठा कैसे किया जा सकता है हम बहुत डिटेल से साइंटिफिक तरीके से एकेडमिक डेफिनेशन जो है वो आगे चलकर इसकी करेंगे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की लेकिन इस वक्त इस कोर्स को शुरू करने के लिए एक ग्राउंड सेट करने के लिए मैं एक वर्किंग या ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है वो आपको दूंगी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सादा लफ्जों में मुराद है कि बिजनेस के असूल तौर तो तरीक़े टूल्स टेक्नोलॉजीज़ और उसके जो थेरीज हैं उनको इस्तेमाल करके सोशल लाइफ के प्रॉब्लम्स और इश्यूज को हल करने की कोशिश करना और वो लोग जो बिज़नेस के टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके सोशल प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं उन्हें हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट्स अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक इसलिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में जैसे आपके क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसका इंट्रोडक्शन जो है वो हमें चाहिए होता है थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड अगर अगरचे आप जब गूगल करते हैं तो आपको काफ़ी मटेरियल मिलता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे आजकल लेकिन आपने गौर किया होगा वो ज़्यादातर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पर नहीं है सवाए किताबों के और माशाल्लाह बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं जो इस कोर्स में आपके काम आएंगी लेकिन ज़्यादातर जो मटेरियल है वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स उन लोगों के बारे में है जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं ना कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमारा इमेजिनेशन बल्कि मैं कहूँगी हमारा कलेक्टिव इमेजिनेशन पूरी दुनिया में लोग जो हैं जब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो दरअसल वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे होते हैं एक हीरो लाइक स्टेटस मिल गया है सोशल एंटरप्रेन्योर्स को आपकी फेसबुक स्टोरी से सक्सेस स्टोरी से एडवेंचर से भरी होती है कि लोगों ने कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए कैसे अजीबो और, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स और गंभीर जो माशरे के मसाइल थे उनको हल किया है और कर रहे हैं कहीं पे होमलेस लोगों के लिए उनके शेल्टर और उनकी फूड और उनकी लॉजिंग का इंतज़ाम करते करते एक शानदार रेस्टोरेंट शुरू हो गया कहीं पे किसी ने ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू की और वो एक सबसे बड़े अब ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस का मालिक है और कहीं पर लो कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज फ्राहम करना जो है जैसे पहले चैरिटी में हॉस्पिटल्स होते थे दस रुपए की पर्ची पे हेल्थ सर्विसेज देते थे लेकिन फिर वो हॉस्पिटल ख़ुद जो हैं वो लोगों के डोनेशंस पर चलते थे अब वो बायदा सक्सेसफुल बिजनेसिस बन गए हैं और ये सारी सक्सेस स्टोरीज जो हैं दे रिवॉल्व अराउंड पीपल जिन्हें हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स कहते तो ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स कौन लोग हैं और ये ही लोग जो हैं वो इन मसाइल को क्यों हल कर रहे हैं क्योंकि जब हम सोशल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं पॉवर्टी हंगर चाइल्ड अब्यूज़ डोमेस्टिक वायलेंस ग्लोबल वार्मिंग एनर्जी कंजर्वेशन ये सारे हमारे समाजी मसाइल हैं जिनसे आज हम दो चार हैं और हम सब उनको हल करना चाहते हैं और हमारी हल करने की ख्वाहिश में हम सबसे पहले किसकी तरफ देखते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन मसाइल को हल करेंगी और अगर गवर्नमेंट्स नहीं कर पाती तो फिर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ देते हैं कि कोई पैसे ले ले और हमें अच्छी एजुकेशन दे दे कोई पैसे ले ले और हमें अच्छी हेल्थ सर्विसेज फ्राहम कर दे तो ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये आज के नहीं हैं ये जब से शायद इंसान की हिस्ट्री रिकॉर्ड होना शुरू हुई है तब से इंसानों के साथ हैं और तब से गवर्नमेंट्स प्राइवेट uh, सेक्टर जिसमें फार प्रॉफिट सेक्टर जैसे बिजनेस uh, हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर जैसे एन हैं ये सब लोग इन मसलों को हल करने की कोशिश सो so कॉल्ड कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस पर प्रोग्रेस नहीं हुई अगर आप नेट प्रोग्रेस जो है उसको कैलकुलेट करें तो अभी भी लोग लाखों करोड़ों लोग बल्कि बिलियंस ऑफ पीपल टोटल एट बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन में से बिलियंस भूखे सोते हैं उनको शेल्टर मुयसर नहीं है करोड़ों बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं तालीम नहीं है गवर्नमेंट्स नहीं दे पा रही प्राइवेट सेक्टर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ सर्विसेज नहीं लोगों को मिल रही पैसे दे के भी हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही तो हमारी प्रोग्रेस जो इंसानियत की रही है अगरचे हमने की है प्रोग्रेस मैं बिल्कुल डूम सेर नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि हम पता नहीं तारीख पत्थर के दौर में रह रहे हैं, नहीं इंसानी तारीख जो है वो उसकी प्रोग्रेस की तारीख है लेकिन ये प्रोग्रेस स्लो है वो सारे इंसान जो इस वक्त पॉवर्टी में रह रहे हैं जो भूखे सोते हैं जो शेल्टरलेशस हैं जो पोल्यूशन का शिकार हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं उनको भी हक पहुंचता है कि वो इन सब से फ्री हो वो लोग जो बिज़नेस रूल्स प्रिंसिपल्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए इन समाजी मिसाइल को इंसानों के हल करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं और जो प्रोसेस वो इख्तियार करते हैं जो काम वो करते हैं उसे हम सोशल इंटरप्रेनशिप कहते हैं सो so, अगले लेक्चर में हम इस बारे में बात करेंगे कि ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो प्रिसाइसली बीसवीं सदी के आखिर और इक्कीसवीं सदी के शुरू में ही क्यों सामने आए इस वक्त जरूरत कैसे ज्यादा महसूस हुई और उन्होंने क्या किया